अगर आपकी पार्टी आती है तो आप माइनॉरिटीज के लिए क्या करें, क्योंकि आप माइनॉरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो हाउ विल यू सेफगार्ड द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। तमाम माइनॉरिटीज ने बीजेपी को रोकने के लिए रीजनल पार्टी ममता बनर्जी का सपोर्ट किया, होल हार्टेडली सपोर्ट किया। उनके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि भाई, या उन्होंने इस बात को इश्यू नहीं बनाया कि ममता बनर्जी किसी वक्त एनडीए में जो है ना अपना सेंट्रल में मिनिस्टर रह चुकी हैं, ये उनकी एलआई थी वगैरह। नहीं, दैट इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। इन्होंने फ्यूचर के लिए क्या किया, बीजेपी को रोकने के लिए जो सबसे ताकतवर अपोनेंट था, एक रीजनल पार्टी पे भरोसा किया और उसके बाद उन्होंने उनका पूरा सपोर्ट दिया। इसी तरह कर्नाटका में भी हमें पूरा यकीन है कि यहाँ की माइनॉरिटीज़ भी होल हार्टेडली खुलकर जेडीएस का साथ देंगी। और मैं एक चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई भी बंदा एक सिंगल इंस्टेंस ये नहीं बता सकता था कि फला पर्टिकुलर इशू में जेडीएस ने कोई एंटी मुस्लिम काम किया या एंटी मुस्लिम जो है ना किसी तरह का जो है ना अपना कोई कदम उठाया। देयर इज नो सिंगल इंस्टेंस, एक भी इंस्टेंस नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी नूर ज़ाहिर एंड यू ऑल आर वाचिंग गो हैश बेंगलुरु। आज हमारे साथ है असदुद्दीन साहब, जेडीएस से जो स्टेट माइनॉरिटी विंग के एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो सर, हाल ही में म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए हैं गुलबर्गा में, जहां पे जेडीएस ने 4 सीटें जीती हैं। तो अभी पोजीशन तो क्लियर नहीं है कि कौन मेयर बनेगा, लेकिन जेडीएस ने एक रूल रखा कि वो उन्हीं के साथ गठबंधन करेंगे जो उन्हें मेयर का पोजीशन देंगे। आपको क्या लगता है, आपका अभी इस जेडीएस का क्या स्टैंड है इस पे? हमारा स्टैंड कंसिस्टेंट है सिंस बिगिनिंग कि इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद में ऑब्वियसली इलेक्शंस जो होते हैं वो टू गेन पावर एंड मैनेज इट, सिंपल सी लॉजिक होती है। हम गुलबर्गा का डेवलपमेंट चाहते हैं और आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है, कांग्रेस ने कई सालों तक वहाँ पे कब्जा कर रखा था कॉरपोरेशन पे, लेकिन कोई ख़ास डेवलपमेंट हुआ नहीं है, अवामी मसाइल उसी तरह बाकी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम वहाँ के अवाम की खिदमत करें, डेवलपमेंट इश्यूज़ पे काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए हम लोगों ने शर्त रखी है कि जो भी पार्टी हमारा सपोर्ट करेगी फॉर मेयर, हम उसके साथ जाएंगे, नथिंग रॉन्ग विद इट। तो सर, अभी आप बोल रहे हैं कि गुलबर्गा का आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो अगर आप नॉर्मल पब्लिक को समझाना चाहेंगे क्या डेवलपमेंट देखना चाहते हैं आप गुलबर्गा में? अब देखिए, गुलबर्गा में बहुत सारे इश्यूज हैं। गुलबर्गा एक समझिए कि एक रीजनल हेडक्वार्टर है गुलबर्गा डिवीजन का, लेकिन एक रीजनल हेडक्वार्टर जिस तरह से होना चाहिए, आप जो बेलगाम को देखते हैं इट्स हाईली डेवलप्ड, तो इसी तरह यहाँ पर जो है ना अपना पानी के इश्यूज़ हैं, ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं, सड़कों के इश्यूज़ हैं, और इवन वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो मसला है, वहाँ पर अपना मकानात का जो अपना डिजिटल खाता वगैरह बनाने के लिए काफ़ी मसाइल आते हैं, जिससे गरीब आवाम जो है ना काफ़ी परेशान है। हम उसको और ज़्यादा सरल बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ हैं और रियल सेंस में डेवलपमेंट वहाँ पर होगा इंशाल्लाह। सो अभी हमने देखा कि यू नो लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए थे, जब कर्नाटक लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, तब जब पार्टी जो गवर्नमेंट आई थी वो एक गठबंधन की पार्टी थी, कांग्रेस और जेडीएस की। हमने देखा कि वो काफ़ी स्मूथ नहीं रहा सफ़र और फिर री इलेक्शंस हुए। आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस के साथ इस बार आपको चांस देना होगा? किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? म्यूनसिपल इलेक्शन में देखिए, जो भी पार्टी हमारा सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमारा वहाँ पर जो है ना जो विजन है गुलबर्गा का डेवलपमेंट, और हमारे जो वहाँ पर अपना 4 कॉरपोरेटर जीत कर आए हैं, उन लोगों को भी हम ये चाहते हैं कि मुनासिब जगहों पर उनको मुनासिब जो है ना अपना मकाम दिया जाए, स्टैंडिंग कमेटीज़ वगैरह में। और जो भी पार्टी देगी हम उसका साथ देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो सकती है, जेडीएस, कोई भी हो। तो अभी हम देख सकते हैं सर कि इंडिया में जो है पूरे जगह रीजनल पार्टीज़ का सिर्फ उनके स्टेट में ही रीजनल ही रह गए हैं रीजनल पार्टीज, और जहाँ की कर्नाटका की बात है जेडीएस का इतना स्ट्रांग होल्ड नहीं है, जैसे हम बंगाल में देख सकते हैं, तमिलनाडु में देख सकते हैं, उतना स्ट्रांग होल्ड नहीं है जेडीएस का। तो अब अपकमिंग इलेक्शंस में आपका क्या स्टैंड है जेडीएस के लिए? देखिए, थ्रू आउट इंडिया तमाम रीजन्स में, तमाम पार्टी, तमाम जो है ना स्टेट्स में रीजनल प्राइड, रीजनल अस्मिता और फिर रीजनल इशूज़ बहुत ज़्यादा जो है ना अपना लोग उसको उसकी तरफ ध्यान देने लगे हैं। ममता बनर्जी वाला टीएमसी का आप मामला देख सकते हैं, वहाँ पर जो इश्यूज़ थे वो रीजनल प्राइड का ही था, रीजनल इश्यूज़ का था। तो इस तरह से तमाम स्टेट्स में जहाँ भी रीजनल पार्टीज़ मौजूद हैं, आवाम वहाँ पर जो है ना ग्रेजुअली रीजनल पार्टीज़ की तरफ जा रही हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि रीजनल जो इश्यूज़ होते हैं उनके जो है ना उनको और रीजनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड सिर्फ एक रीजनल पार्टी ही कर सकती है। हमारे पास कई इश्यूज़ हैं, मेकेदाटू का है, कलसा बंडूरी वगैरह का है, ये कोई भी नेशनल पार्टी इनको सॉल्व करना नहीं चाहती, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट होते हैं सिर्फ एक स्टेट तक महदूद नहीं होते हैं।
वो तमाम स्टेट्स में जो है ना अपना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं, लेकिन रीजनल पार्टी ही रीजनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। और इसके साथ में कई ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर जो है ना अपना आवाम अब ये सोचने लगी है कि जिस तरह से तेलंगाना में TRS है, आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी है, ओडिशा में जो है ना BJD है, या फिर वेस्ट बंगाल में TMC, उसी तरह से यहाँ की आवाम चाहती हैं कि हमारे इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रीजनल पार्टी का सपोर्ट किया जाए। और जहाँ तक बात है कि आपका जो कहना था कि यहाँ पर हम उतने मजबूत नहीं है, अगर आप उन पार्टीज़ अदर रीजनल पार्टीज़ से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली हम उनके बराबर जो है ना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने अपनी जो पॉलिसी बनाई, जो स्ट्रेटेजी बनाई है, हमें पूरा यकीन है कि 2023 के इलेक्शंस के बाद हम सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। okay. हमें ये पूरा यकीन है। सर, अभी आपने कहा कि आप सिंगल मेजॉरिटी फॉर्म करेंगे 2023 में इलेक्शंस के बाद वगैरह, अगर आपकी पार्टी आती है तो आप माइनॉरिटीज़ के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आप माइनॉरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो हाउ विल यू सेफगार्ड द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़? देखिए, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि माइनॉरिटीज़ को भी जो है ना अपना रीजनल पार्टीज़ पर भरोसा करना चाहिए। मैं वेस्ट बंगाल के माइनॉरिटीज़ के जो है ना मैच्योरिटी की तारीफ करना चाहूँगा। दे आर वेरी मच पॉलिटिकली मैच्योर। अब पिछली दफ़ा जब वहाँ पर असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर तमाम माइनॉरिटीज़ ने BJP को रोकने के लिए रीजनल पार्टी ममता बनर्जी का सपोर्ट किया, होल हार्टेडली सपोर्ट किया। उनके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि भाई, या उन्होंने इस बात को इश्यू नहीं बनाया कि ममता बनर्जी किसी वक्त NDA में जो है ना अपना सेंट्रल में मिनिस्टर रह चुकी हैं, ये उनकी LI थी वगैरह। नहीं, दैट इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। इन्होंने फ्यूचर के लिए क्या किया, BJP को रोकने के लिए जो सबसे ताकतवर अपोनेंट था, एक रीजनल पार्टी पे भरोसा किया और उसके बाद उन्होंने उनका पूरा सपोर्ट दिया। इसी तरह कर्नाटका में भी हमें पूरा यकीन है कि यहाँ की माइनॉरिटीज़ भी होल हार्टेडली खुलकर JDS का साथ देंगी। और मैं एक चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई भी बंदा एक सिंगल इंस्टेंस ये नहीं बता सकता था कि फलां पर्टिकुलर इशू में JDS ने कोई एंटी मुस्लिम काम किया या एंटी मुस्लिम जो है ना किसी तरह का जो है ना अपना कोई कदम उठाया। देयर इज़ नो सिंगल इंस्टेंस, एक भी इंस्टेंस नहीं है। जबकि जो अल्टरनेट के तौर पे माइनॉरिटीज़ देखती हैं, उन पार्टीज़ के कई हज़ारों एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं। अब जहाँ तक अगर हमारी सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट अगर फॉर्म होती है तो उसके बाद हम इस बात का आश्वासन देना चाहते हैं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, उन रिकमेंडेशंस को भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम इससे हटकर भी माइनॉरिटीज़ की लिंग्विस्टिक, उनके उसके साथ में उनकी कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी को किसी तरह का नुकसान हम पहुंचने नहीं देंगे। और ये सिर्फ मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी पार्टी या इंडिविजुअल फ्यूचर में क्या करेगा उसका अगर अंदाज़ा लगाना है तो जस्ट उसके पास्ट को देख लिया जाए। और हमारा पास्ट सेक्युलरिज्म के बारे में एकदम क्लियर रहा है, नोबडी कैन चैलेंज और डिस्प्यूट इट। अभी हम देख सकते हैं कि राइट नाउ द करेंट स्टेट ऑफ द कंट्री बहुत कम्युनल इश्यूज हो गए हैं, कम्युनलिज्म इज पीकिंग, सोरिंग बोल सकते हैं, एंड इनफैक्ट रिलीजन पॉलिटिक्स इज बिकम वोट बैंक। तो आप इस पे क्या स्टैंड लेते हैं सर? देखिए, जनता दल सेक्युलर, इसने कभी भी आज तक रिलीजियस या किसी भी तरह के सेक्टेरियन इश्यूज को जो है ना अहमियत नहीं दी है। हम वोट मांगते हैं अपने काम की बुनियाद पर, हमारे इम्पेक्केबल सेक्युलर क्रेडेंशियल्स की बुनियाद पर। और बड़ा अफसोस होता है कि आज के जो हालात हैं यहाँ पर जो है ना, दोनों नेशनल पार्टीज़ BJP और कांग्रेस, ये दोनों जो है ना हमेशा आवाम को पोलराइज करके उनके जो है ना अपना रिलीजियस फीलिंग्स को जो है ना भड़का कर जो है ना वोट देने का लेने का काम कर रही है। BJP इसमें खुलकर काम करती है और कांग्रेस थोड़ा सा उसको सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर, उनका हार्ड हिंदुत्व है, इनका सॉफ्ट हिंदुत्व। लेकिन हमारा ये मानना है कि जहर अगर है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो या कम क्वांटिटी में हो, जहर जहर है। सॉफ्ट हिंदुत्व से भी मुल्क को नुकसान ग्रेजुअली होगा और होता आ रहा है, BJP के हार्ड हिंदुत्व से तो फौरी तौर पे जो है ना अपना नुकसान होता है। हम इन पॉलिसीज़ को, रिलीजियस इश्यूज़ को की बुनियाद पर वोट मांगने को कंडम करते हैं और हम कभी उस लेवल पर नहीं जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गो हैश, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।